हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रस शास्त्र के अंतर्गत रत्नों का ग्रहों के साथ संबंध और साथ ही साथ धातुओं के साथ संबंध। यानी कि आपको पता होगा टोटल रत्न कितने होते हैं, 9 रत्न होते हैं। उन्हीं 9 रत्नों का हम ग्रहों के साथ संबंध देखेंगे। तो देखिए क्या है आज का हमारा टॉपिक, क्या है रस शास्त्र के अंतर्गत रत्न ग्रह धातु संबंध। यानी कि जो रत्न होते हैं उनका ग्रहों के साथ क्या संबंध होता है और इन्हीं रत्नों का धातु के साथ क्या संबंध होता है। इसका मतलब क्या है, जो रत्न होता है उस रत्न को किसी न किसी धातु में लगा करके ही पहना जाता है, ठीक है। तो उन किस धातु में लगा के पहना जाता है तो उसका भी संबंध यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इससे पहले जानते हैं कि रत्न होते कितने हैं। तो टोटल 9 रत्न होते हैं, उनका नाम देख लीजिए। यहाँ पे आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है इसी सीक्वेंस में आपको सारे रत्नों का नाम याद रखना है। उससे आसानी क्या होगी, जो ग्रह होता है उसका संबंध भी आप आसानी से याद रख पाएंगे और धातुओं का संबंध भी आप आसानी से रख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, सबसे पहला हमारा रत्न है माणिक्य। माणिक्य इसी को एक और नाम है माणिक, तो माणिक्य को माणिक्य नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इसका जो इंग्लिश नाम है, इंग्लिश में इसको रूबी के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। ये रूबी हो गया। उसके बाद से दूसरा जो हमारा रत्न है यह है मुक्ता। मुक्ता को सभी लोग जानते हैं, मुक्ता यानी कि मोती, तो इसको मोती के नाम से जानते हैं। इंग्लिश नाम इसका क्या है, पर्ल हो गया, ठीक है। तीसरा है प्रवाल। प्रवाल या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मूंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इंग्लिश नाम क्या हो गया, कोरल। चौथा है हमारा तारक्ष्य। तारक्ष्य यानी कि मरकत या फिर पन्ना, पन्ना के नाम से इसको जानते हैं। इंग्लिश नाम क्या है, एमरेड, ठीक है। एमरेड के नाम से इसको बुलाते हैं। पांचवा क्या है, पुष्पराज। आप पुष्पराज मूवी जो देखे हैं उससे आप इसको कोरिलेट मत करिए, पुष्पराज है ये, वो पुष्पराज था, ये पुष्पराज है, ठीक है। पुष्पराज या फिर इसी को पोखराज भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश नाम क्या है इसका, टोपाज है। छठा है वज्र। वज्र यानी कि हीरा, हीरा यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डायमंड। सातवां है इंद्रनील या फिर नीलम, इंग्लिश में सेफायर बोलते हैं। उसके बाद से आठवां है गोमेद, इंग्लिश में जरकॉन बोलते हैं। नौवां है बैदुर्य या फिर लहसुनिया, इसको कैट्स आई भी कहते हैं, ठीक है। तो ये टोटल आपके 9 रत्न हो गए। अब इन 9 रत्नों को याद कैसे करेंगे, तो उसका एक ट्रिक है जिससे आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो ये देखिए, आप इनको सभी को एक सिक्वेंस में याद कैसे रखेंगे, तो मैंने उसके लिए एक ट्रिक बनाया है। मामू प्रताप बने गोल, या फिर आप इसको ये भी समझ सकते हैं, जो मामू प्रताप हैं उन्होंने क्या बनाया, बनाए गोल, ठीक है, कोई गोल बनाया, तो उसी लिए ट्रिक है। आप देखिए, मामू से हो गया, मा का मतलब हो गया माणिक्य, मु का मतलब हो गया मुक्ता, प्र का मतलब हो गया प्रवाल, ता का मतलब हो गया तार्च्य, उसके बाद से प का मतलब क्या हो गया, पुष्पराज, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, पांच। उसके बाद से वने, व का मतलब हो गया वज्र, और न का मतलब यहां पे नीलम से मैंने लिया है, ठीक है। और यहां पे नील इसमें भी आ रहा है, तो आप इसमें आप इससे बना सकते हैं, न से नीलम, और इंद्र नील वाले में भी न आ रहा है, ठीक है। तो ये नीलम या फिर इंद्र नील हो गया। और ग से मतलब, गो का मतलब हो गया गोमेद, और ल का मतलब यहां पर मैंने लहसुनिया से लिया है, ठीक है। वैदुर्य को ही लहसुनिया के नाम से जानते हैं, या फिर इसको कैट्स आई भी कहते हैं। तो ये आपका रत्नों को याद रखने का ट्रिक हो गया। तो ये सीक्वेंस में याद रखेंगे, क्या है, मामू प्रताप बने गोल, मामू प्रताप बने गोल रत्न, यहां से रत्न लिख दिया, यानी कि ये रत्नों का नाम हो गया, टोटल 9 रत्न हो गए, ठीक है। अब देखते हैं ग्रहों के साथ क्या संबंध होता है। तो देखिए, जो ग्रह होते हैं यहां पे, सबसे पहले जो माणिक्य होता है इसका सूर्य के साथ संबंध होता है। अब सूर्य देखिए, इसको सीक्वेंस में और कैसे करेंगे, जो सूर्य होता है सूर्य को रवि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस होगा रविवार से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो रवि मान लीजिए सूर्य है, तो ये रवि हो गया। चंद्र है, तो चंद्र का मतलब हो जाता है, कई बार इसका पर्याय में आप देखेंगे तो इसका सोम भी होता है, ठीक है। तो चंद्र का सोम हो गया, तो सोम यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि सोमवार हो गया। उसके बाद से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यहां तक तो दिनों का नाम हो गया। उसके बाद से दो है राहु केतु, तो याद रखेंगे अंत में आता है राहु केतु, ऊपर क्या होता है सूर्य चंद्रमा, बाकी का सीक्वेंस दिनों पे आधारित है, ठीक है। सूर्य चंद्रमा राहु केतु नीचे ऊपर है, ठीक है। उसके बाद से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सीक्वेंस है। तो इसका सीक्वेंस अगर याद रखेंगे तो ये और आसानी तरीके से याद हो जाएगा। अब इसके बाद करते हैं कि जो रत्न होता है किस रत्न को किस धातु में लगा करके पहना जाता है। तो यहां पर देखिए,
जो माणिक्य होता है, माणिक्य इसको जो शास्त्रों में बताया गया, ठीक है, कि आप किसी भी धातु को, किसी भी धातु मतलब किसी भी रत्न को किसी भी धातु में लगा के आप नहीं पहन सकते, उसके लिए एक स्पेशल धातु बताया गया कि आप कौन से रत्न को किस धातु में लगा के पहनेंगे, ठीक है। जैसे देखिए माणिक्य जो है, माणिक्य को ताम्र धातु में लगा के पहना जाता है, ठीक है। मुक्ता को रजत धातु में लगा के पहना जाता है। जो प्रवाल होता है उसको पित्तल में, प्रवाल को पित्तल में, तार्च्य को नाग में, ठीक है। उसके बाद से जो पुष्पराज होता है, पुष्पराज इसको किस में पहना जाता है, स्वर्ण में। उसके बाद से वज्र जो होता है, हीरा, हीरा को किस में पहना जाता है, वंग में। उसी तरह इंद्रनील को नीलम, यानी कि इसको किस में पहना जाता है, लोहा में। जो नीलम होता है इसको लोहे में पहनते हैं। गोमेद यानी कि जरकोन को किस में पहना जाता है, कांस में, ठीक है। उसके बाद से लहसुनिया या फिर वैदुर्य जो होता है इसको कांत लोह में। तो ये आपका हो गया धातुओं के साथ संबंध। अब देखिए धातु कैसे याद रखेंगे, तो धातुओं का जो याद रखने का ट्रिक है उसको समझिए। मान लीजिए ये एक काका जी थे, ठीक है, काका, काका जी थे। वह क्या कर रहे थे, वह एक तारपीन, तारपीन का तेल आता है तो वही समझिए, तारपीन, तारपीन, तारपीन सब लो काका, यानी कि एक तारपीन का तेल था तो काका जी थे वो सब लेके चले गए, ठीक है। तारपीन का तेल काका जी सब लेके चले गए, तो तारपीन सब लो काका, यानी कि जितना भी तारपीन रखा है सबको ले लो, ठीक है। तो आप इसको बस अपने तरीके से, आप अगर कोई और ट्रिक है तो आप उसको अपने तरीके से भी याद रख सकते हैं। फिलहाल मैंने कोशिश किया थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, तारपीन सब लो काका। ता का मतलब ताम्र, र का मतलब रजत, पी का मतलब पित्तल, न का मतलब नाग, स का मतलब स्वर्ण, व का मतलब वंग, ल का मतलब लोह, का मतलब कांस, और फिर का मतलब कांत लो। तो इस प्रकार ये हो गया आपका रत्नों का ग्रहों के साथ संबंध और रत्नों का धातुओं के साथ संबंध। अब ये जो रत्न होते हैं हमेशा शुद्ध रूप में मिले ये जरूरी नहीं है, उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां या फिर दोष होते हैं। तो रत्नों में बताया गया है पांच प्रकार के दोष होते हैं, तो उस दोष को एक बार देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या है रत्नों के दोष, तो रत्नों के दोष में कितना दोष बताया गया, पांच दोष, ठीक है। कौन कौन से पांच दोष होता है, पहला है ग्रास, दूसरा है त्रास, तीसरा है बिंदु, चौथा है रेखा, और पांचवा है जल गर्भता, ठीक है। अब इन सबका मतलब समझिए। जो ग्रास का मतलब होता है अपारदर्शक या फिर काला, जैसे कोई रत्न है, जैसे आपने डायमंड लिया तो डायमंड जो होता है वो पारदर्शक है, लेकिन अगर वो अर्ध पारदर्शक या काला दिखाई दे रहा है तो क्या है, शुद्ध नहीं है, ठीक है, यानी कि उसमें क्या हो गई, दोष आ गया। दूसरा है त्रास, त्रास का मतलब हो गया जो प्राकृतिक रंग होता है कोई भी रत्न हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नीलम है, ठीक है, तो इसका नीला कलर है, लेकिन नीला कलर के अलावा कोई और हरा हो गया, लाल हो गया, मतलब जो नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, नेचुरल फॉर्म के अलावा कोई अन्य कलर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, त्रास। उसके बाद से तीसरा है बिंदु, बिंदु का मतलब हो गया कोई भी रत्न है उस रत्न में अगर एक छोटा सा कण जैसा संरचना दिखाई दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बिंदु। उसके बाद से रेखा, तो कोई भी रत्न है तो रत्नों में अगर एक लाइन खींचा हुआ दिख रहा है या फिर एक लाइन खींचा हुआ है दूसरा लाइन उसे काटता हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा, रेखा। और चौथा है जल गर्भता, तो जल गर्भता को आप बहुत आसानी समझ सकते हैं, जैसे इस समय सबसे अच्छा मोबाइल पे आप टेम्पर लगवाने जाते हैं, तो टेम्पर लगवाने जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है उसमें एयर्स बबल रह जाते हैं, तो एयर्स बबल रह जाते हैं, तो उसी तरह का संरचना कभी रत्नों के अंदर भी देखने लगे, जब रत्न का निर्माण होता है तो उस रत्न में उसी जैसा संरचना दिखाई देने लगता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, बूंद के जैसे संरचना दिखाई देने लगेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, जल गर्भता। तो टोटल इस प्रकार से आपको रत्नों का ग्रहों के साथ क्या संबंध होता है, धातु के साथ संबंध क्या होता है, और दोष जो होते हैं इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर इसके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी आपको वहां से मिल जाएंगे, और कोई भी आपको अगर डाउट होता है तो आप वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो में अगर आपको सब चीज़ सही लगा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। एक नया अपडेट है, पीजे पॉइंट बीएमएस के नाम से एक ऐप जारी हो गया है, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और पीजे पॉइंट बीएमएस ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।